नमस्कार किसान बंधुओं। किसान बंधुओं, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंघाड़ा की फसल में कीट का प्रबंधन कैसे करें। जी हाँ किसान बंधुओं, सिंघाड़ा की फसल में जो मुख्य कीट देखा गया है वो रेड बीटल या लाल खजूरा के नाम से कीट प्रचलित है, और यह कीट का नियंत्रण यदि किसान बंधु नहीं करते हैं तो सिंघाड़ा की फसल में यह जो है तो 50% तक नुकसान कर सकता है, क्योंकि यह पत्तियों को भी खाता है और जो सिंघाड़ा की जड़ें होती हैं उनमें भी घुसकर यह जड़ों को भी खा जाता है। तो इसका नियंत्रण किसान बंधुओं को कैसे करना चाहिए, उसके लिए किसान बंधुओं जैसे ही आपकी सिंघाड़ा की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है उस टाइम में आप देखते हैं ये लाल खजूरा कीट दिखने लगता है, और इसके नियंत्रण के लिए किसान बंधु बहुत सारी दवाइयां डालते हैं और फिर भी यह नियंत्रित नहीं होता है। तो किसान बंधुओं, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके सिंघाड़ा की खेत में रेड बीटल का प्रकोप हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया है, उस समय पर आप बायर के सोलोमन दवा का छिड़काव कर सकते हैं। किसान बंधु, सोलोमन एक ऐसी दवाई है जो रस चूसक कीट व चबाने वाले कीटों को दोनों को कंट्रोल करता है। तो सोलोमन में जो टेक्निकल होता है बीटा साइफ्रोथिन 8.49% और साथ में इमिडाक्लोपिड 1.81% होता है। यह एक प्रसिद्ध व प्रभावी कीटनाशक है जो सिंघाड़ा की फसल में किसान बंधु इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे जो कीट होता है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है और जो नई पत्तियां आती हैं वो बढ़िया फ्रेश आती हैं और स्वच्छ आती हैं। बायर के सोलोमन की बात करें डोज की, तो किसान बंधु इसका डोज 15 से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। किसान बंधु, आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियां लाल हो जाती हैं, वो इसी रेड जो बीटल होता है, लाल खजूरा कीट होता है, इसी के काटने के कारण पत्तियां लाल हो जाती हैं। अर्थात वो जो तने और पत्ती के बीच में काट देता है, जिससे पत्ती को भोजन जाना बंद हो जाता है और पत्तियां हल्की हल्की लाल होने लगती है, तो ये भी समस्या हट जाएगी। और आप इसके साथ में सोलोमन के साथ में एक कॉन्टैक्ट फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं जो बायर के एंट्राकाल के नाम से आता है, जिसमें प्रोपीनेप 70% होता है और साथ में चिलेटेड इसमें जिंक ऐड होता है, जो पत्तियों को जो हल्का लाल आता है या गिरुआ पत्तियां आती हैं इसको तो कंट्रोल करता ही है, साथ में सिंघाड़ा में जिंक की पूर्ति भी यह माइक्रोन्यूट्रंस के रूप में कर देता है। तो किसान बंधु, आप दोनों दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, सोलोमन और एंट्राकाल का। यदि आप सोलोमन का छिड़काव नहीं करना चाहते तो आप यूपीएल के फॉस्किल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई इसका छिड़काव करते हैं। इसमें जो टेक्निकल होता है वो मोनोकोटोफास होता है और बहुत लंबे समय से किसान बंधु इसका छिड़काव करते हैं, लेकिन ये उतना प्रभावशाली लगातार उपयोग करने से नहीं रहता है। यदि आप एक बार इसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन बार बार आप यदि इसका उपयोग अपने सिंघाड़ा की फसल में करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। फॉस्किल जो होता है, इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें मोनोकोटोफास होता है, वो 36% SL फार्मूलेशन में होता है, और यह रेड बीटल व चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसका कंट्रोल आपको लंबे समय तक नहीं मिलता, जबकि सोलोमन का कंट्रोल कई किसान भाइयों ने बताया है कि लंबे समय तक मिलता है। मोनोकोटोफास डालने के बाद आपको पत्ती में ग्रीननेस और ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं दिखेगी, लेकिन सोलोमन यदि आप डालते हैं
तो पत्तियों में आपको ग्रीननेस और फ्रेशनेस भी देखने को मिलती है। मोनोकोटोफास के डोज की बात करें तो किसान भाई 25 से 30 ml प्रति पंप सिंघाड़ा की फसल में मोनोकोटोफास का उपयोग कर सकते हैं। किसान बंधुओं, इसके अलावा जो छोटे छोटे अंडे देखने को मिलते हैं, तो अंडों को मोनोकोटोफास कंट्रोल नहीं करता। यहाँ की सोलोमन भी दवा अंडों को कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए आप साथ में जो है तो प्रोफेनोफास दवा का उपयोग, सिंगल प्रोफेनोफास दवा का उपयोग कर सकते हैं 25 ml प्रति पंप के हिसाब से साथ में, क्योंकि प्रोफेनोफास जो है तो अंडों को भी सिंघाड़ा की फसल में कंट्रोल करता है। बाज़ार में आपको सिंगल प्रोफेनोफास से ये दवाएं मिल जाती हैं। यदि आपको अंडे दिखें तभी आप इसका उपयोग करें, यदि अंडे आपको नहीं दिखते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ विशेष बात का ध्यान देना है कि फूल के टाइम में आपको क्रॉस दवाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, फूल के पहले ही कर देना है। यानी फूल के समय आपको प्रोफेनोफास के साथ जो सोलोमन है, सोलोमन के साथ प्रोफेनोफास उपयोग नहीं करना है, और ना ही आपको यदि आप मोनोकोटोफास डालते हैं तो मोनोकोटोफास के साथ में आपको प्रोफेनोफास का उपयोग नहीं करना है, ये आपको फूल के पहले ही करना है। और इसका आप रिजल्ट ले सकते हैं किसान बंधुओं। किसान बंधुओं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव तो कमेंट करें, जिससे ऐसी वीडियो आपके लिए हम समय समय पर लाते रहें। जय हिंद, जय किसान।